कॉलेज में आप किसी को पसंद करते हो, वो अगर आपको ना पसंद करे या पसंद नहीं करती, आप जानते नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ होती है। अगर आप किसी को जान लेते हो, किसी के साथ एक रिलेशनशिप, एक इक्वेशन, एक दोस्ती से ज़्यादा बात चल जाती है, कहीं ना कहीं वो भी आपको पसंद करते हैं या करती है, उसके बावजूद वो रिश्ता अधूरा रह जाता है, बिकॉज कॉलेज ख़त्म हो जाता है, आपको नौकरी मिल जाती है, या उनकी कोई पुरानी रिलेशनशिप थी जिसकी वजह से उनको कमिटमेंट का इशू है, या सैकड़ों रीजंस होते हैं। इफ़ दैट रिलेशनशिप इज़ लेफ्ट इनकम्प्लीट, जो बीच में आधे अधूरे, जो एक खटास मिठास से भरे रिश्ते होते हैं जिनको आप दर्जा नहीं दे पाते, चेतन ने बस एक नाम आप सबको याद दिलाने की कोशिश की कि ये सब हमारे साथ होता आया है, होते रहता है। यू कॉन्ट कंट्रोल समटाइम्स वैन यू फील मोर देन जस्ट फ्रेंडशिप फॉर समबडी, एंड इवन द अदर पर्सन फील्स इट फॉर यू, बट इट माइट बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ट्राइंग टू जस्ट बी विद अ पर्सन एज अ गर्लफ्रेंड और अ बॉयफ्रेंड। तो ऐसा नहीं है कि इसके वजह से लोग जाके मानना शुरू करते हैं, अरे मेरी हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, बिकॉज ये छिछोरा नहीं है, इट्स नॉट फ्रिवलिस, इट इज़ नॉट मस्ती, इट इज़ नॉट फिजिकल, इट इज़ एन इमोशनल बॉन्ड दैट टू पीपल शेयर, वेयर देयर इज एन इमोशनल कनेक्ट फ्रॉम बोथ साइड्स। मे बी वन पर्सन कैन ओनली कम हाफ वे इन द सिचुएशन, बट इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन जस्ट गो एंड आस्क अ गर्ल और अ गाय कि हाफ गर्लफ्रेंड बन जा, हाफ बॉयफ्रेंड बन जा, इट्स नॉट लाइक दैट। एंड आई एम होपिंग पिक्चर देखे, अगर आप ट्रेलर देखें तो आप देखें कि जो माधव झा का किरदार है वो पूरी शिद्दत से मोहब्बत करता है, और उसका वही है कि ठीक है तुम आधे रास्ते आ सकते हो, कोई बात नहीं, मैं पूरा निभाऊंगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर आपसे प्यार उतना ही कर सकता है, आप अपना प्यार कम कर दो या प्यार करना छोड़ दो, आप फिर भी अपना प्यार जारी रख सकते हो, आप निभा सकते हो। सो आई थिंक जब आप फिल्म देखेंगे तो द वर्ड हाफ गर्लफ्रेंड विल मेक अ लॉट मोर सेंस टू एवरीबडी, एंड इवन स्पेशली द कॉलेज गोइंग किड्स हु मस्ट बी वंडरिंग व्हाट इज़ द टर्मिनोलॉजी। तो कितने हैं, मैंने तो आर्टी फिल्में की है, तो मेरा तो मन करता है हर अच्छी पिक्चर करने का, मैं तो चाहता हूँ कि और काम करूँ, मुझे खुद अपनी सीमा पता नहीं है इस वक्त, आई डोंट नो माई लिमिट्स एज एन एक्टर, एज अ परफॉर्मर, सो आई एम स्टिल डिस्कवरिंग। बहुत लोग पूछते हैं कि व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फिल्म यू वुड लाइक टू डू, आजकल ये भी दौर चला है कि बायोपिक्स होती है तो सब पूछते हैं आप बायोपिक करना चाहोगे, एक्चुअली मैं थोड़ा सा परे जाना चाहूँगा उससे। मैंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा मैं एक्चुअली एक रियल लाइफ सिचुएशन में एक फिक्शनल कैरेक्टर प्ले करना चाहूँगा। जैसे अगर आप मान लीजिए पिक्चर आई थी फॉरेस्ट गंप, तो उसमें टॉम हैंक्स फिक्टिशियस किरदार निभा रहे थे, पर वो जो होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में होता है। तो मान लीजिए कि कोई ना कोई सिचुएशन आए जिसमें यू कैन प्ले अ फिक्शनल कैरेक्टर बट द वर्ल्ड इज़ रियल, मुझे वो बहुत एक्साइटिंग लगे। सो मोर देन जस्ट प्लेइंग ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, आई थिंक दैट वर्ल्ड टू मी इज़ वेरी एक्साइटिंग। सो हाफ गर्लफ्रेंड, फ्रॉम व्हाट आई हैव इंटरैक्टेड विद ऑल ऑफ यू ऑल, अभी सिटीज ट्रैवल किए वगैरह वगैरह, जो सोशल मीडिया पे फीडबैक है, जिस तरह म्यूजिक ग्रो हो रहा है, द बुक इज ऑलरेडी बिन अप्रिशिएटेड फॉर सो मेनी इयर्स, देर आर नेम्स इन्वॉल्व दैट पीपल कंसिडर क्वालिटी नेम्स, सो आई थिंक ऑल दैट कमिंग टुगेदर आई हैव अ बिलीफ दैट द फिल्म विल बी अप्रिशिएटेड एंड पीपल विल स्टिल गो एंड सी आर फिल्म, एंड आई होप दे सी आर फिल्म एंड बाहुबली एट द सेम टाइम। आई थिंक पीपल वॉन्ट टू बी एंटरटेन देर इन आर कंट्री, देर आर वेरी फ्यू फॉर्म्स ऑफ बींग एंटरटेन, फिल्म्स इज अ प्राइमरी सोर्स, एंड आई लुक फॉरवर्ड कि हाफ गर्लफ्रेंड आके लोग फुल टिकट देके सिनेमा घर में आके देखे पिक्चर जी।